अतात उसके नहू वर्जा कतौन व तुमत्तियाउ फीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नाद अलियन मजहर अल अजाइब तजद्दहुन लक फिन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सयंजली। बेअज़मत का या अल्लाह हो, बिन नबुव्वत का या मुहम्मदो व बे विलायत का या अलियो या अलियो या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहुम या कायम आल मुहम्मद। एक दफ़ा अलहमद और त्रै दफ़ा सूरह तौहीद दी तिलावत तक जिन्हां दे इस साले सवाब बस्त मजलिस से उन्हां दे रूह को इसाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौम दीन यकना बर الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد। بسم الله الرحمن الرحيم कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग्फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, दुश्मन अहले बैत पर लानत, बावाज़े बुलंद सलवात। बानी दी हसीयत नाल इत्था हाजरी है ली सूरत हाल आई, चूंकि तारीख ये असा रखी है और फिर तमाम जाकरीन का भी मैं शुक्रिया अदा करेंदा कि वह सारे तशरीफ गिने उन्हें कमाल मुहब्बत और मेहरबानी की है। मेरे वाले साहब न चंद दिन पहले ही लेकिन हफ्ता ही नहीं होया, चार दिन हुए वो इंतकाल फरमा गए हैं। तो मैं चूंकि तारीख रखी है तब मैं नईम भाई उन्होंने को आखा है भाई मैं इंशाला वादा वफा करे स पिछे मेहमान भी हैं और इतना चूंकि इमाम हुसैन बादशाह की मेज़बानी करनी आई तो अपनी मेज़बानी नालों में ये मेज़बानी वाधे समझिए चूंकि मेरा अमला और भाई और सारे उत्थे ही मुकम्मल मजलिस त मैं इंशाल्लाह परसों थोड़े नाल हैं तो ये मेज़बानी जरूरी आई क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह के सांगे तो सारे मोमिनीन मोमिनात आजादार तशरीफ फरमा ही वे। तो मैं दुआ करें पियाँ मौला थोड़ा टुराया कबूल फरमावे, मौला थोड़े पुरसे कबूल फरमावेन, वो नगरियाँ वसन जिथा जिक्र इमाम हुसैन बादशाह थींद, वो घर वसन जिथा जिक्र मुहम्मद आल मुहम्मद थींद। अजीम इबादत द नाम है गम हुसैन और जितना इंद विच खलूस दी अज जरूरत है शायद इस तू पहले कोई नहीं। खलूस नाल जिथा भी आजादारी होसी उत्थां यकीनन खराज अश्क भी होंदे, उत्थां दुआ भी मिलती है। देखो ना करबला ते शाम चों कुछ मेहमान टुर के आंदे ने, थोड़े ते साडे पंध थोड़े ने। थोड़ा इस्तकबाल करन वास्ते, मोमना दा इस्तकबाल करन वास्ते सैयद साजदीन अलैहि सलाम तशरीफ घिनांदे ने और परदे दे अंदर मेरिया मामा बहनों का इस्तकबाल करन वास्ते मुहम्मद दुखे पासे अली धी तशरीफ घिनंदी है। जनाबे आलिया शाम चुटुर के आंदे अपना मकाम समझो कि आजादार दा मकाम अल्लाह ने कितना बनाया है। तेरे आवन तू पहले ओ टुर आंदे जिन्हां दा पंध ढेर है, जे तक तू इथू नहीं टुर वेंदा तब तक ओ इथू नहीं वेंदे। तेरे आवन तू पहले पुरसे झलन अला कैदी इमाम तशरीफ फरमा होंदे, फिर आखरी आजादार तक उत्थां खड़के ज
जदा अजादार वापस वन लगते हैं इमाम बारगाह के दरवाजे ते खड़ के सैयद सजा दूए आत मथे ते रख के आदे मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना है। करबला दे विच ता रोवण ही कहना दिता जिंदी भैन नू कहना ही रोवण दिता तुसा उन्हां नू रोवण पयांदे हो। बड़ा मकाम है अजादार दा और अजादारी सैयद शहदा दा। मैं तो इवें आधरांदा दुनिया पैसा खर्च करें दिए जो असा खुशियां वसूल करूं या असा खुशियां खरीदूं। एक कैनात च पहला गम है गम है हुसैन जेको लोग पैसा खर्च करके गम नू वधे खरीद करें दिन। ते कदां बह के सोचे भई ये जो इतना गम है इतना गम बने ते ये जड़ा एक आंसू है एक आंसू जेको तेरा छीवा मासूम पिया फरमेंद है अगर मार्फत च निकला होया एक आंसू जन्नत दी जमानत बनदा है तो फिर सोच क्या इस आंसू का कोई मुल तो नहीं ला रहा। इस आंसू की कीमत जन्नत है इसन जन्नत तू घट कदा ना वेचे। इस आंसू की कीमत का नाम है जन्नत। कबीरा गुनाह मैं किताब विच इवें पढ़े जेड़े कबीरा गुनाह हैं इंसान दे सगीरा नहीं गलूसा बनाने पढ़ते पे हैं पे कुछ कबीरा गुनाह हैं ते ढेर होंदे सगीरा गुनाह। ये जेड़े कबीरा गुनाह हैं ना ये आजादारी मजलूम करबला मजलिस हुसैन सिर्फ बह के सह घिनण नाल कबीरा गुनाह माफ होंदे। आजादारी दी नोयत नू समझो मुल्क दी हुण सूरत हाल नू समझो। भई असा इमाम दा इंतजार पै करेंदे हैं नहीं इमाम साडा इंतजार पिया करेंदे। मैं समेत मैं माजरत नाल पिया दा असा इमाम दा कोई इंतजार नहीं पै करें बारवां साडा इंतजार बैठा करेंदे बारवां अज भी पर्दे च रत बैठा रोंदे कि कोई तो होवे हा जेड़ा कोई एक दह मिनट पंद्रह मिनट इकला बह के आखिया इमाम हुण थक पए हैं तशरीफ घिनो। दुनियादारी ये अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीये कल ये इमाम दी सलामती दी दुआ असा मंगदे हैं। दुआ करो हुण बारहवा इमाम तशरीफ घिनावे। तो मेरे नौजवान शिया सुन्नी बजुर्ग नौजवान जितने इन मेरा ताल्लुक ही कैसे घराने नाल है कि हुण जरूरत है कि अपनी सफ़ां दे विच इतिहाद पैदा करो। अजादारी इस मिंबर दे तकद्दस नूं और फिर मेहराब दे तकद्दस नूं भी साकू समझना चाहिए। जितना भी दुनिया डिजिटल थींदी पई है उन दे मुताबिक हुण तकाज़ा हीन अजादारी है इमाम हुसैन अलैहि सलाम दे कि अजादारी को भी उस नौयत ते मनना चाहिए। जितने नौजवान बजुर्ग तशरीफ फरमाए वे ये बारहवा इमाम आसन त सदाद दे चंद्रे लहसन कोई इन उजाड़े मुसलमाना आज तक वस नहीं संगे। हर दी हसरत होंदी है कबरां नाल कबरां मिलन ये उन्हां दा गम है जिन्हां दियां कबरां नाल कबरें नहीं मिलियां। माँ बकिया सम गई धी शाम सम गई पुत्र करबला सम गए जड़े बच्चे न ओ कई कूफा हैं कोई अस्कलान हैं। ये जो पांच मुल्कां दे विच मुहम्मद दी आल सुती पई है कदा वखरा बह के भी सोचई कि इन्हां दा जुर्म केड़ा हा। जी मैं नौकरां ये जो पांच मुल्कां दे विच मुहम्मद दी आल सुती पई है साड़ी केड़ी हसरत होंदी है लोग मैं लड़दे डिठन बे साड़ी कबर नाल किसे बह दी कबर न बने जो क्यों साडे खानदान दियां कबरां कठियां होवन। जी मैं नौकरां मैं बड़ा जैसा सोचना बह के सोच असा लोगों को लड़दा डिठा है कब्रिस्तान विच लोग चार दीवारी चढ़ी वेंदे बे साडे सज्जू खब्बू किसे होर दी कबर ना आवे जो साडा खानदान कट्ठा होवे। असा तुसा चाहते हैं जो साडा खानदान कट्ठा होवे जैंदा कलमा पढ़ते हैं क्या ओ नबी ना चाहता जो मेरे सज्जे हसन दी कबर होवे मेरे खबे हुसैन दी कबर होवे
मेरे नाल जी मैं लख बारी आखा, मैं लख बारी आखा केड़ा कसूर हा। जवाना ने जन्नत दे सरदार इन, जवाना ने जन्नत दे सरदार इन, एक दा तीरां ते जनाजा है, जदे जनाजे तीर इन, एक नु दो कफन मिलन, एक नु मिली आई कोई नहीं, जिन दो मिलन ये पांच कफन आए हैं। जिब्रील अलैहि सलाम गिन के आए हैं पैंतन हस्तियां दे पांच कफन। एक एक लफ्ज़ ज़ामिना जनाबे रसूल खुदा दे कोल आके पेश कीते जो अल्लाह ने पांच कफन भिजवाए, एक थवाड़े, एक थवाड़े भिरा अली दे, एक थवाड़ी धी फातिमा दे, एक थवाड़े पुत्र हसन दे, एक थवाड़े पुत्र हुसैन दे। और रोण वाले और दर्दां वाले लोगो, पाक मुहम्मद मुस्तफा दुनिया तो टुरे तो कफन मिल पिया, मुहम्मद पाक दी धी दुनिया तो टुरी तो कफन मिल पिया, अली बादशाह दुनिया तो टुरे तो कफन मिल पिया। और रोण वाले और हसन मुश्तबा टुरे कफन एक मिला, दोबारा जनाजा घारी चाया भैणा जनाजे तू तीर छिके, ते इमाम हुसैन बादशाह ने अपने हिस्से दा कफन भिरा नू पवा के आखे तू अमीर है तू दो पा, मैं गरीब हाँ मैं एक ही नहीं पावना। अजरकुम मिन अल्लाह, अजरकुम मिन अल्लाह, तू अमीर है तू दो कफन पा, मैं गरीब हाँ मैं एक भी नहीं पावना। जी 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 मैं नौ करा, जी जी मैं नौ करा, अमीर नू दो मिले गरीब नू एक भी नहीं मिला। दर्दाले लोगो अरमान इससे गल दे कि पूरे पंज मुल्कां च पाक मुहम्मद दी आल सम गई। हमेशा दुआ करें दरांदा कि अल्लाह तआला को ओ नगरियां दिखावे, ते हुण दुआ भी मंगो कि बारहवां तशरीफ घिनावे। हुण जरूरत है उस इमाम दी जिहड़ा मुंतकिम है खूने इमाम हुसैन दा, जिहड़ा ना हक खून होया। असां सारे दुआ करेंदे हैं, बस मेरी हाजिरी इतनी काफ़ी समझाए। मैं पहले भी आखा है कि जिहड़ी कैफियत है कि मेरे बाबा उन्हां चंद दिन ही चार दिन पहले इंतकाल फरमा गए हैं, क्योंकि एक था एक मेज़बानी है। मैं पहले आके भाई इमाम हुसैन बादशाह दी करनी आई, तो मैं अपने भाइयों उन्होंने वो मेज़बानी उत्थ दे मेहमान आते पे इतना, चूंकि मैं फिर तमाम का थोड़ा का शुक्रिया अदा करें अपने जाकरीन भीराव सारा का, गुलाम बस जप्पा साहब उन्होंने खसूसी उन्होंने वक्त निकाले कट्ठे बखर अशरा पढ़े, तो वो साडे मोहसिन भीरा हैं। तो मैं फिर भी शुक्रिया अदा करें सुबह तो लैके हूँ तक जितने भी इमाम हुसैन बादशाह दे जाकर तशरीफ गिने ने सौ उन्होंने बहु शुक्र गुजार हैं। तो तुसा सारे मोमना का भी ये पूड़ियाँ इवें विछदियाँ रहन, सदा रल के रहो, आजादारी मजबूत करो, विलायत न मजबूत करो। ये वक्त है कि ये न देखो भाई सजू खबू क्या पिया होंगे है, अपने दामन ठीक रखो। और फिर आजादारी इसते बड़ा खर्चा भेण ते भीरा दा बड़ा खर्चा होया इसते, ये अपने हथों किसी के आखे लग गए या किसी के सुन के। विलायत है अमीर अल मोमिनीन नू, और आजादारी है सैयद शोहदा दा दामन नहीं छोड़ना। बस मैं ज़्यादा वक्त इंतजार ना करावा, मैं खुद भी इंतजार च हम मेरे भाई पहुँच गए हूँ थोड़े सामने साढ़े मेहमान और साढ़े भीरा। अच्छा ठीक, मैं जी ठीक है। इससे चूंकि इमाम हुसैन बादशाह का घर है और इसन तमीर करावना साढ़े अहम जिम्मेदारियों के शामिल है, देखो अहम जिम्मेदारियां जिन्हें तो असा जिन्हें कज़ा नहीं कर सकते। तो पहले भी थोड़े सामने तबानियान के तरफों भी हुक्म है भाई इस दे बारे जितना जितना कोई फर्द है तो वो कुछ नौजवान उठी पवेन, क्योंकि इमाम हुसैन बादशाह का घर है। तो ये फिर उन्होंने तुसा खर्च पै करें दे जिन्हें नाने का उधार ही नहीं रखा, जितना कोई फर्द है उसके मुताबिक, क्योंकि हुसैन बड़ा करीम है। जितना तुसा दे सो उसके कई बदले ज्यादा था को मौला हुसैन अता कर दे सी, वो भी तुसा वसूल कर गिनो मौला दे घर दा न्यास जितनी भी है। सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, बस थानू बुला रहे
सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, हजूर आगे सहाबा पीछे वो फ़र्ज अपना निभा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठे जमाने भर को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हैदरी इंज नहीं डूए हाथ बुलंद करके हलाली मवाली बोले नारे हैदरी। हुन जनाब दे सामने बहुत शुक्रिया। हुन जनाब दे सामने वालेबुल कदर मेरे भाई शबाद पाकिस्तान बैरुल मसायब जनाब जाकिर अहले बैत मार गुलाम अब्बास जप्पा साहब खिताब फरमेसन और इन्हों के फौरन बाद जाकिर अहले बैत इख्तिताम मजलिस मलिक नहीद अब्बास जग साहब आफ करोड़ वो खिताब फरमेसन ते वह शहजाद पाक दी लोरी पढ़सन बावाज़े बुलंद सलवात।